हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरफान एंड सना ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, मुझे बहुत सारे लोग डीएम आ रहे थे, जो मेरी शेजवान चटनी है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी सब जगह पे, और मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि सना प्लीज़ आप जो शेजवान चटनी बनाते हो वो बताओ बताओ बताओ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सना का किचन खोला जाए और उसमें से एक रेसिपी बाहर निकाली जाए। बिकॉज गाइस, जब से मेरी मतलब इरफान के साथ मेरी रुखसती हुई है, मैं घर पे आई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना बनाने लग गई हूँ। सो शेजवान चटनी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। और अभी रमज़ान भी आ रहे हैं तो मैं शेजवान चटनी बना रही थी, जो पहले बनाई थी वो खत्म हो गई थी, सो अभी न्यू शेजवान चटनी बना रही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को उसका ब्लॉग भी बता दूँ कि मैं कैसे शेजवान चटनी बनाती हूँ। सो गाइज, आज सना के किचन की ये पहली रेसिपी है। सोच रही हूँ कि मैं सना और इरफान व्लॉग हटा के सना का किचन खोल दूँ। सो गाइज, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शेजवान चटनी कैसे बनाते हैं, मतलब मैं कैसे बनाती हूँ। कैसे बनाते हो तो शायद आप लोगों को भी आता ही होगा, बट मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना मिर्ची लाई हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कौन सी मिर्ची है। सो गाइज, देखो ये वाली मिर्ची है। मैंने ये जो मिर्ची है उसको ओवरनाइट सोक करके रखा था पानी में, उसको पूरी रात भिगा के रखी थी। और ये जो मिर्ची है उसको हम कश्मीरी मिर्ची बोलते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ कलर आता है, ज्यादा तीखी नहीं होती है, बिकॉज हम ज्यादा तीखा खाते नहीं है। मैं शेजवान चटनी ज्यादा तीखी नहीं बनाती हूँ, मतलब एकदम नॉर्मल बनाती हूँ। इफ अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप एक दूसरी मिर्ची भी आती है जो पतली सी होती है, छोटी सी होती है, वो बहुत तीखी होती है, मतलब वो सच में बहुत ज्यादा तीखी होती है। सो मैं वो प्रीफर नहीं करती हूँ, मैं ये कश्मीरी मिर्ची प्रीफर करती हूँ बनाने के लिए। इफ अगर आपको चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो। सबसे पहले इसको आपको पूरी रात, मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया है पूरा, और इसकी जो डंडी है वो सारी डंडी निकाल दी हूँ, और मैंने इसको पूरी रात भिगा के रखी हूँ, तो ये ऐसी हो गई है। सो बिना भिगाए भी चटनी बनती है, बट बिना भिगाए अगर आप चटनी बनाते हो ना, तो जो इसके सीड्स है ना, सीड्स पूरे प्रॉपरली ना ग्राइंड नहीं होते, मतलब सीड्स थोड़े थोड़े रह ही जाते हैं, बट इसमें आपको कैसे एकदम फाइन पेस्ट बन के मिल जाता है। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो भी कैसे कर रही हूँ। सो गाइज, सबसे पहले हम जो ये मिर्ची हमने भिगाए थे उसको हम पूरा प्रॉपरली एक बार वॉश कर लेंगे। एंड मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि मैं इसको अपने हाथों से करूँ, बिकॉज मेरे ये पूरा बनने के बाद मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं, तो मैं जितना भी हो सकता है मैं ना सब चीज़ें स्पून से करती हूँ, ताकि मेरे हाथ ज़्यादा जले ना। तो मैं स्पून ही ले रही हूँ अभी भी, ताकि मैं हाथों का ज़्यादा यूज़ नहीं करूँ, बहुत जलते हैं उसके बाद हाथ, फिर बाद में तो मुझे उसको आइस पर रखना पड़ता है। तो हम इसको पहले ऐसे एक बार पूरा स्टर करेंगे अच्छे से। सो गाइस, जो मेरी मिर्ची थी मैंने उसको एक बार अच्छे से वॉश भी कर लिया, उसका जो पानी है वो भी निकाल दिया है, और देखो अभी जो मिर्ची है वो ऐसी लगेगी, बिकॉज ये पूरी सॉगी सॉगी सी हो गई है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके एकदम फाइन पेस्ट होता है, हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। और आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को सना का किचन कैसा लग रहा है। सो गाइस, हमारा जो ये पेस्ट है वो रेडी हो गया है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका जो हमें प्रॉपर वो है वो कैसे चाहिए। प्रॉपर पिस भी गया है और थोड़ा सा ये लिक्विड भी है, पानी भी है। सो गाइस, यहाँ पे मेरा ये पूरा एक प्रॉपर पेस्ट रेडी है, मतलब आप सोच रहे हो कितना तीखा होगा। आप लोग ऐसे सोचो कि जिसको आप पसंद नहीं करते उसका आप ये पेस्ट लगा रहे हो, एकदम तीखा तीखा मिर्ची का पेस्ट। सो गाइस, मेरा ये पेस्ट रेडी हो गया है, लेकिन हम लहसुन और अदरक वो करेंगे, समझ जाओगे। इतना लहसुन लिया है, ये समवेयर अराउंड समझ लो पाव किलो होगा, और ये दो अदरक के पीस लिए हैं। अब मैं इन दोनों को वो करूंगी, वो कटर होता है ना जिसमें हम ऐसे खींचते हैं तो सब कट हो जाए, चॉपर में चॉप करूँगी। हमें चॉपर के बारे में नहीं पता था, तो हम हाथ से काटते थे लहसुन, पर जैसे चॉपर आया ना लाइफ बहुत आसान हो गई है, ऐसे कट जाता है। अब मेरी लाइफ भी बहुत बुरी हो जाएगी, अब मुझे भी हाथ से काटना पड़ेगा लहसुन, और इसमें तो कटा भी नहीं था, लहसुन भी हाथ से काटना पड़ेगा, अदरक भी हाथ से काटना पड़ेगा। नहीं, मैं मिक्सर में थोड़ा सा पीस के देखती हूँ कैसा दिख रहा है, सिर्फ एक ही बार घुमाऊंगी। मेरा अदरक और लहसुन मैंने मिक्सी में पीस लिया है, थोड़े से ज्यादा ग्राइंड हो गए हैं, बट ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। सो गाइस, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये, इसे कहते हैं फ्लावर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। तो मैं सिर्फ एक ही डालती हूँ, ये ज्यादा नहीं डालती, दूसरे में ये डालेंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे अदरक एंड लहसुन, चटनी के बाद जो सॉरी जो मिर्ची के बाद इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है सॉस, बिकॉज इसमें सॉस जाता है शेजवान चटनी में।
सो गाइस मैंने ना अभी से बांध लिया है क्योंकि मुझे ना ये बांधना ज्यादा इजी लग रहा था, इधर से खराब हो रहा था उधर से खराब हो रहा था, तो मैंने बांध लिया है। सो गाइस अभी वो एकदम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो ये हमने पेस्ट बनाया है वो डालेंगे, पर इस वाले गैस क्यों कर रहे हैं बिकॉज हम डरते हैं कि हमारे पास छींटे ना हो जाए। सो गाइस ये देखो ये है शेजवान चटनी, मतलब हाँ ठीक है आप लोगों को पता है कि मैं शेजवान चटनी बना रही थी। सो गाइज ये शेजवान चटनी को अभी मैं कुछ समय अराउंड 10 मिनट तक मैं इसको जो लो मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के होने दूंगी बॉईल होने दूंगी जब तक कि उस पर तेल ना आ जाए। थोड़ा सा भी अगर उस पर तेल आया तो समझ जाना कि आपकी जो शेजवान चटनी है वो पूरी रेडी हो चुकी है। सो मैं अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको अच्छे से बॉईल होने लगती हूँ 10 मिनट्स के लिए। गाइस जो मैंने इस पे ढक्कन है वो लगा दिया है और थोड़े टाइम बाद इस पे से ऐसी आवाज आएगी पट 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 बिकॉज जो है वो बॉईल होता है ना, तो इसलिए ऐसी आवाज आती है थोड़े टाइम में। सो बार बार आके आपको उसको ऐसे स्टर करना पड़ेगा, उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। देखो अभी से यार लग गई है, देखो पट पट देखो हाँ दिस इज वेरी फनी। खोलो छीटा उड़ जाएगा लेकिन मेरे ऊपर, मैं नहीं खोल रही, थोड़ा सा सो गाइज आज मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है हुस्न मॉडेस्टी की तरफ से जिसमें है अबाया। अभी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ कि ये अबाया कैसा है। गाइज ये अबाया मुझे आया है हुस्न मॉडेस्टी की तरफ से एंड ओह माय गॉड लुक एट द स्लीव्स, बहुत 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 अच्छी स्लीव्स है गाइज। ये देखो पहन के ही ना दिखा दूँ मैं आप लोगों को आधा हाथों से सिर्फ, वाओ दिस इज अमेजिंग। सो इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी है एंड स्लीव्स पे कट वर्क भी है, मतलब एक कट भी है यहाँ पे ऐसा और उसके अंदर आपको वाइट कपड़ा दिख रहा है एंड जो स्लीव्स पे वर्क है उसी से रिलेटेड जो इस पे है, इस पे दुपट्टा है, दुपट्टे पे वर्क है गाइज। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बुर्का, थैंक यू सो मच हुस्न मॉडेस्टी। एंड गाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमें, आप लोग जो बिजनेस करते हो उसके प्रोडक्ट्स बेचते हो प्रमोशन करने के लिए, मतलब आप लोग हमें कुछ ना कुछ समझते हो कि हाँ भाई हम कुछ है, तभी आप लोग हमें प्रोडक्ट्स बेचते हो। सो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोग हम पे बहुत अच्छा भरोसा करते हो। सो हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे हम पे हमेशा भरोसा करते रहो, हमारा साथ दो ताकि हम आगे बढ़े एंड इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। सो मैंने वो अबाया पहना है जो मुझे भी प्यार में आया था जस्ट, एंड गाइस ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पे, देखो ये ऐसा है एंड जो इसका स्लीव्स का वर्क है वो ऐसा है। हमारी जो शेजवान चटनी है वो भी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, ये देखो। सो ये पूरी तरीके से बन चुकी है गाइज एंड मैंने बताया था कि मैं थोड़ी सी, हम थिक खाते हैं तो मैंने थिक ही बनाया है, ज़्यादा मैंने पतली नहीं किया है इसको, आप चाहे तो पतली कर सकते हो। सो गाइज इसी के साथ हमारा जो आज का व्लॉग है वो यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोगों को जो मेरी शेजवान चटनी की रेसिपी है वो अच्छी लगी होगी। इसके बाद भी इंशाल्लाह अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज कॉमेंट में बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है। एंड इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह ट्राई सोच रही हूँ कि मैं एक बार बिरयानी बनाऊँ, तो इफ अगर आप लोगों को उसका भी व्लॉग चाहिए तो आप लोग मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका भी व्लॉग बनाऊँ। एंड गाइज जो मैंने बखू लगाया था उसमें से धुआं आ रहा है और पूरे बेडरूम में खुशबू, थोड़े टाइम बाद मैं इसको हॉल में लगाऊंगी ताकि पूरे घर में खुशबू आए। सो गाइज आई होप आप लोगों के ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोग अपना ध्यान रखना, दुआ में याद रखना और जैसे मैं शेजवान चटनी बनाई हूँ अगर आप लोग वैसे ट्राई करोगे तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि वो चटनी कैसे बनी है, आप लोगों को चटनी अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।